हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस 2023 में आ चुका है। इस क्वेश्चन को पहले आप पूरा पढ़ लें क्या लिखा है। आपको यहाँ डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, ऐसे करके। पहले डॉट का नाम A1 है, दूसरे डॉट का नाम A2 है, फिर A3 है, फिर A4 है, ऐसे करते करते लास्ट वाला जो डॉट है वो है A49। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर टोटल 49 डॉट्स है। इसके बाद इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो एडजेसेंट डॉट्स हैं वो फ्रेंड है। जैसे कि ये वाला डॉट और ये वाले डॉट, ये दोनों डॉट्स फ्रेंड है, या फिर ये वाला डॉट और ये वाला डॉट, ये फ्रेंड्स है। ठीक है, इसको जरा ठीक से समझ लें। जैसे कि ये डॉट और ये डॉट भी फ्रेंड है, ये दो डॉट्स, और जैसे कि ये डॉट, ये बड़ा बना दिया मैंने, और ये डॉट, ये भी फ्रेंड्स हैं आपस में। तो ये कहा है कि जो एडजेसेंट डॉट्स हैं वो एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। अब इसके बेसिस पे नीचे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 था। हम यहाँ पर दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी पैराग्राफ पे बेस्ड है। इसमें कहा है जो PI है वो प्रोबेबिलिटी है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी? कि रैंडमली चूजन पॉइंट हैज आई मैनी फ्रेंड्स। ठीक हो गया, कि कोई पॉइंट आप चूज करते हैं उसके आई मैनी फ्रेंड्स हैं, और आई आपके पास क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। अब आपको यहाँ कहा है कि आई एक्स जो है एक रैंडम वेरिएबल है, सच दैट फॉर आई इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी एक्स इक्वल टू आई इक्वल टू पी आई। अब इसका क्या मतलब है? तो यहां पर लास्ट में आप देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। रैंडम वेरिएबल यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो फॉर रैंडम वेरिएबल 0, हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो पी एक्स है। अब इसका क्या मतलब है? पहले तो एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो पॉइंट चूज करो उसके 0 फ्रेंड्स हो। अगर ऊपर आप ग्राफ में देखो तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके 0 फ्रेंड्स हैं, हर पॉइंट का कोई ना कोई फ्रेंड है। तो इसका मतलब है 0 फ्रेंड्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी कितनी होगी, 0 होगी। अब अगला है 1, एक्स यहां पर कितना है, 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पॉइंट मैं चूज कर रहा हूं उसके कितने फ्रेंड्स हैं, 1। अब अगर वापस ऊपर जाओ तो यहाँ पर किसी पॉइंट के जो मिनिमम फ्रेंड्स हो सकते हैं वो 2 ही हो सकते हैं, जो ये कॉर्नर वाला डॉट है, ये वाला। ठीक है, ये मैंने थोड़ा डॉट बढ़ा दिया, A1 जिसको कहा है, इसका एक फ्रेंड A2 है और एक फ्रेंड नीचे वाला है, तो इसी के 2 फ्रेंड्स हैं। तो ऐसा कोई भी डॉट इसमें है ही नहीं जिसके एक फ्रेंड हो, तो इसीलिए 1 के लिए, रैंडम वेरिएबल 1 के लिए प्रॉबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। अब ये आते हैं, ये है 2। इसका मतलब है जो पॉइंट आप चूज कर रहे हो उसके 2 फ्रेंड्स हो। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर आपके पास 2 फ्रेंड्स किस किस के हैं। तो सिंपल सी बात है, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे नहीं, ये मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये जो आपके कॉर्नर वाले दिख रहे हैं, एक कॉर्नर ये कॉर्नर, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, तो इन चारों कॉर्नर में जो पॉइंट्स हैं इन्हीं के सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं। कैसे? इस वाले पॉइंट का एक फ्रेंड ये नीचे वाला है, एक फ्रेंड ये वाला है, इसको काउंट मत कर देना, ये नहीं है फ्रेंड, क्योंकि वो यही 2 पॉइंट इससे कनेक्टेड है। तो एक फ्रेंड ये है, एक फ्रेंड ये, तो इस वाले का एक ये फ्रेंड है, एक ये फ्रेंड है। तो यहां पर सिर्फ 4 ही पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके 2 फ्रेंड्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 ओवर, नीचे हमारे पास हो जाएगा 49, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके 49 है। अब आते हैं 3 फ्रेंड्स वाले कितने पॉइंट्स हैं यहां पर। आप ध्यान से देखें जो पॉइंट्स यहां पर है, देखो जैसे एक ये है, ये 2, 3, 4, 5, तो यहां पर ये है 5 पॉइंट, यहां पर भी ये है 5 पॉइंट, यहां पर भी ये है 5 पॉइंट, और यहां पर भी ये है 5 पॉइंट्स। ठीक है, इन 5 पॉइंट्स के क्या हैं, तीन तीन फ्रेंड्स हैं। कैसे? जैसे ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट, इसका एक फ्रेंड ये है, इसका एक फ्रेंड ये है, इसका एक फ्रेंड ये है, तो टोटल 20 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके तीन तीन फ्रेंड्स हैं।
तो ये हमारे पास 20/49 आ जाएगा। अब बाकी जितने भी पॉइंट्स बचे उनके चार चार फ्रेंड्स हैं, टोटल पॉइंट्स ही 29 है, तो उनमें से 24 पॉइंट्स तो हमने यहां यूज कर लिए, बाकी बचे 25 पॉइंट्स, तो 25 पॉइंट्स के चार चार फ्रेंड्स हैं और वो 25 पॉइंट्स अंदर हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके 25 हैं। जैसे देखो इसका इसका एक फ्रेंड ये है, मैं रेड से दिखाता हूं आपको, जैसे इसका देखो एक फ्रेंड ये है, एक फ्रेंड ये है, एक फ्रेंड ये है, एक फ्रेंड ये है, तो अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं उनके चार चार फ्रेंड्स हैं, तो ऐसे टोटल 25 पॉइंट्स है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 25/49। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ये 8/49 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ये आ गया 60/49, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ये 100/49 आ गया। अब इन सबको मैं ऐड कर लेता हूं, कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है शायद 168/49। अब क्वेश्चन में वापस जाओगे तो ये 7 टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालने के लिए कहा है आपसे, देखिए जरा, बिल्कुल, तो इसका मतलब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 168/49, ये 7, 7 जा 49 होगा, 168 को अब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 जा 14, 7 4 जा 28, तो ये आंसर हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, 24 आ गया। आप भी एक बार डिवाइड करके चेक कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास जो 16वां क्वेश्चन है ये तो कंप्लीट हो गया। 17वें क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट चूज करने हैं इन 49 पॉइंट्स में से, और पी वी द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स है। तो पहले तो हमें यहां पर टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 49 है, तो पहले तो आपको कहा है कि 49 पॉइंट्स में से दो पॉइंट चूज करने हैं, तो वो तो नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि आप दो पॉइंट चूज कर रहे हैं, अब हमको फेवरेबल आउटकम ये होना चाहिए कि वो दोनों जो है पॉइंट्स वो फ्रेंड्स है, तो इसके लिए आपको क्या समझना है, जरा डायग्राम को दोबारा देखेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे हमारे पास फ्रेंड्स के कितने जोड़े हैं, यहां पर देखो ये और ये दोनों फ्रेंड्स हैं, तो ये एक जोड़ा हो गया, ये और ये भी एक फ्रेंड है, तो एक जोड़ा ये हो गया, ये और ये भी एक फ्रेंड है, एक जोड़ा ये हो गया, ये और ये फ्रेंड है, तो एक जोड़ा ये हो गया, ये और ये फ्रेंड है, तो एक जोड़ा ये हो गया, है ना, और ये एक जोड़ा है, तो एक फ्रेंड ही है। तो सीधी सी बात है, यहां पर आपको जितनी भी साइट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये जितनी भी साइट्स दिखाई दे रहे हैं, आप इन सारे साइट्स को काउंट कर लें, तो आपको नंबर ऑफ जो फ्रेंड्स पेयर है वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको दो दो पॉइंट्स को चूज करना है जो फ्रेंड्स हैं, तो ये जो साइट्स के कॉर्नर पॉइंट्स हैं वही तो फ्रेंड्स हैं, तो सिंपल सी बात है आप साइट्स काउंट कर लो, टोटल 84 साइट्स हैं, और 84 में से आपको एक ही साइट चूज करनी है, क्योंकि उस एक ही साइट में दो फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो 84C1 आ जाएगा, तो ऊपर 84 आ गया, नीचे 49 मल्टीप्लाई 48/2 हो जाएगा, ये 2 चलो ऊपर लिख लेते हैं, इस तरीके से हमारे पास आंसर यहां तक पहुंच गया है, तो 224। अब इसको कैंसिल करते हैं, 4, 6, 24, 21 आ गया, तो 21/6 मल्टीप्लाई 49 आ गया, 7, 3 जा 21, 7, 7 जा 49, 3, 2 जा 6, तो बच्चों ये 1/14 आ रहा है, आप भी एक बार चेक कर लेंगे, 1/14 आ रहा है। अब यहां पर आपको 7p की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, 7p, पी हमारे पास 1/14 है, तो सॉल्व करेंगे 1/2 आ रहा है, जिसको हम 0.5 कहेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर 0.5 आ गया। और इस तरीके से हमने ये जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, इसके दोनों पार्ट्स को इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।